दगड़ो ऐसे की जाती है ग्रेवी तैयार, ठीक है, पहाड़ी चीज के लिए भाई। इसमें प्याज और लहसुन की पत्तियां है, लहसुन बोले तो हरी लहसुन की पत्तियाँ तो होता है यहाँ, और इस प्रकार से इसको अच्छी तरीके से इस तरह से फ्राई करेंगे भाई। और इधर देख सकते हो ये है भाई केकड़ा का पेस्ट, इसमें एक आलू भी डाल रखा है और टमाटर, और बाकी भाई ये मसाला है, ठीक है, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और थोड़ा चाट मसाला भी डाला है मैंने इसमें, और सब्जी मसाला, यही सब है इस मसाले में, ठीक है। और इधर जो है तैयार हो रहा है, इस तरह से बनेगा पेस्ट का फिश के लिए, पहाड़ी मच्छी के लिए। आजकल पहाड़ों में सर्दियों में काफ़ी पौष्टिक होता है भाई मच्छी, ठीक है। अभी देख रहे हो कलर छोड़ गया, इसमें चेंज हो गया ना कलर, अब इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जो हमने ऑलरेडी तैयार किया है, ठीक है। तो दगड़ो प्याज को जो है अच्छी तरीके से मिक्स करके एक तरह से फ्राई करके तब हमने सारे मसाले ऐड कर दिए, ठीक है, विद टमाटर पेस्ट, और भाई केकड़ा लाया था मैं, मच्छी का ही भाई होता है उसका भी पेस्ट है इसके साथ, ठीक है। तो ये बन चुका है इस तरह से, मच्छी का वही होता है भाई, मच्छियाँ तो बिल्कुल लास्ट में डालनी है क्योंकि गांव की छोटी छोटी मच्छियाँ होती है, मैं दिखाता हूँ तुमको कैसे होती है। बट भाई ये जो सूप बनता है ना मच्छियों का, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है भाई, स्वास्थ्य के लिए भी, और काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्दी होता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है भाई, ठीक है। जो आदमी दो रोटी खाता है ना, छः रोटी खा लेगा भाई इनमें, ठीक है। और ये ईंधन जो है लकड़ी का है तो इसमें और भी ज़्यादा सूप आता है भाई, ठीक है ना, आप कभी भी गैस कर लेना, लकड़ी में बनाने में और गैस में बनाने में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है भाई, ठीक है खाना। तो जहाँ भी पॉसिबल हो ईंधन का प्रयोग करें, ठीक है, अगर आप पहाड़ों में सर्वाइव कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो पिछले ज़माने में गैस वूस तो अभी आए हैं, सब लकड़ी का यूज़ करते थे। इसमें थोड़ा हम तरी बढ़ाएंगे क्योंकि भाई फैमिली थोड़ा बड़ी है तो उस हिसाब से, बट आप अपने लिमिट अनुसार इसमें जो है तरी बढ़ा सकते हो, उसी हिसाब से मसाले भी डालें, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भाई मसाले डालना, अगर एक मसाला गलत पड़ गया तो भाई पूरी सब्ज़ी खराब हो जाती है। तो खाना बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। ये देख रहे हो कितनी गड़ी हो गई थी करी, तो ये हो रहा है रेडी फिश के लिए करी, ठीक है। और इतनी ज़बरदस्त फिश करी होती है ना भाई, ये टेस्ट करना, और इस हिसाब से बनाना जिस हिसाब से मैंने बताया, पूरा वीडियो मैंने दिखाई दिया आपको, सिंपल सा है मेथड, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो बहुत टेस्टी बनता है भाई। तो दगड़ी हो गई है फिश रेडी, देख रहे हो डाल दिए भाई, ऐसी होती है भाई गड़ वाली फिश, गड़िया हो गई भाई गड़िया, लेकिन भाई बहुत टेस्टी होते हैं, ठीक है। अरे धनिया मार दिया है, ठीक है, ये धनिया डालेंगे, डाल धनिया जाना, बस बस ये धनिया मार दिया है, हम निकाल देंगे इसको, चल निकालें फिर। ये फिश हो गई रेडी भाई, ठीक है, इसको ज़बरदस्त ढंग से खाएंगे आज के डिनर में, तजी तजी फिश, चल निकाल। इस प्रकार से बनाते हैं भाई पहाड़ों में फिश, ठीक है, मैंने आज डिटेल में आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से हो गई अपनी फिश रेडी, देख रहे हो ये बहुत ही सुंदर, डोल दे जरा, जितनी सिंपल से आपको दिख रही है ना भाई उससे ज्यादा टेस्टी होती है, देख रहे हो ऐसी होती है भाई ये तो आज के डिनर में फिश।
रेडी ठीक है, बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब।